प्लीज वेलकम सुपर 93.5 एफएम पर मेंटोर में मेंटोर, इनसे चंपानेर गांव के लोग क्रिकेट सीखे, ईशान मैथ सीखा, गीता बबीता रेसलिंग सीखी और अब सीक्रेट सुपरस्टार सीखेंगी ऊपर आना बुलबुले की तरह, बुलबुले की तरह। अभी अभी हमारी तरफ से बजाते रहो अवार्ड पाए गए द मेंटोर ऑफ द मिलेनियम। थैंक यू मलिष्का, थैंक यू। है ना ऐसी वाली फीलिंग, मतलब जो रेडियो वालों दिलाते हैं ना कोई नहीं दिला सकता। बिल्कुल सही, स्पेशली क्योंकि आप अवार्ड शो में तो जाते नहीं, तो आप सुनेंगे ही नहीं ऐसा वाला, कितनी प्रेप में हम बैठे रहते हैं। नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने मुझे एक अवार्ड दिया, सालों बाद मुझे अवार्ड मिला जो आपने अपने हाथों से लिया। ईशक गड़े मंजे। सो आमिर, लेट्स टॉक अबाउट दिस मेंटोर ऑफ द मिलेनियम। यू नो लाइक पास्ट पिक्चरों में हमने देखा है दैट यू ए तो मेंटोरिंग, बट सेकंडली आल्सो लाइक अ वुमन पावर, वुमन शक्ति थिंग, ये कॉन्शियस एफर्ट है क्या? दोनों चीजें गलत हैं। एक तो मैं मेंटर किसी का नहीं हूँ। मैं फिल्में सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वो कहानी अच्छी लगती है और जो लोग मुझे मिलते हैं या हम जब कास्टिंग करते हैं, जैसे हमको जायरा मिली है, ये हमारी खुश नसीबी है कि हमको जायरा मिली है बिकॉज शी इज परफेक्ट फॉर द फिल्म। हम उनके लिए कोई फेवर नहीं कर रहे हैं ना, मैं उसको मेंटर कर रहा हूँ। शी इज ग्रेट फॉर द फिल्म एंड दैट्स व्हाई शी इज इन द फिल्म। दूसरी बात यह कि मैं एक्चुअली कोई इशू लेके फिल्म नहीं बनाता। जब मैं कहानी सुनता हूँ उस वक्त मेरे जहन में कोई बात नहीं होती कि मुझे ये इशू उठाना है या वो इशू उठाना है। बहुत सारे इशूज मेरे दिल के करीब हैं लेकिन मैं ये सोच के नहीं बैठता हूँ कि अब मुझे इस इशू पर फिल्म बनानी है। ये इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास दो ऐसी फिल्में आई, दो ऐसी कहानियां आई बैक टू बैक, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार, जो दोनों गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट की टॉपिक्स पर हैं। लेकिन इसलिए मैंने नहीं चुना है, मैंने चुना है क्योंकि वो कहानियां बड़ी अच्छी हैं। करेक्ट, माय फर्स्ट जॉब इज टू एंटरटेन पीपल, और अगर मैं वो नहीं कर पाऊंगा तो मेरा मैसेज जो भी है वो पहुंचेगा नहीं। दंगल आई और बहुत कामयाब हुई और उससे हमको ये पता चला, देखिए दंगल की कामयाबी से हमको एक बात समझ में आती है कि लोग उस बात से सहमत हैं, लोग उस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो मर्द भी हैं सोसाइटी में उन्होंने भी उस बात को अप्रिशिएट किया, तो एक सोच में थोड़ा बदलाव आया। There is a basic like line in your film, dream देखना तो basic होता है। हाँ, इस फिल्म में dream देखना basic होता है। और एक्चुअली ये फिल्म दंगल से 10 कदम आगे जाती है क्योंकि दंगल में फिर भी एक मर्द था जो महावीर जो कैरेक्टर है फादर का, वो इस जर्नी को, इस सफर को वो लीड कर रहा है। जबकि सीक्रेट सुपरस्टार में 14 साल की लड़की है जो उसके सपने हैं और जो डिसीशन ले रही है वो ले रही है, जो करना है वो कर रही है। शी इज द लीड प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म और सपोर्ट जो उसको मिलता है अपनी माँ से मिलता है। आई मस्ट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट यू, माँ बेटी एक जैसी दिखती है। I was like, सच्ची होगी इसकी मम्मी आमिर खान, मतलब कास्टिंग। अच्छा, और काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं उसको हेल्प करता हूँ, नहीं करते हो? नहीं, वो मेरा इस्तेमाल करती है। Give me 5 again. I love it. Yeah. Also the look of your look in the film and how evil you are, you should get used if you ask me. Are you evil in this film? क्या आप इस फिल्म में evil? Evil तो नहीं कहूँगा मैं। शक्ति कुमार जो है वो बहुत ही arrogant, full of himself, काफी बदतमीज किस्म का है, self-centered है, उसे किसी की पड़ी नहीं है। वो आपको अगर सवाल पूछ भी लेगा तो आपके आंसर में उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो यू नो ही इज ओनली इनटू हिमसेल्फ। गिव मी वन शक्ति कुमार लाइन ना, लाइक सपोज इफ यू वर शक्ति कुमार एंड आई एम एस्पायरिंग सिंगर, शक्ति जी बेब्स तुम्हारा लेटेस्ट गाना कौन सा है? धीरे धीरे। अच्छा सुनो, कल मैं जा रहा हूँ, मतलब तो अलग ही टॉपिक। अच्छा, नॉट हर्ड ओनली योर आंसर। Like that. He is not even listening. I thought he was also sleazy. Sleazy भी है, sleazy भी है. He is quite a flirt. Who is he based on? Tell us, give us some hint. Is he a mixture of 2-3 Bollywood? No. एक फिर तो कोई एक है। नहीं नहीं कोई नहीं। शक्ति कपूर तो नहीं है ना? कोई नहीं है। 93.5